अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। हाँ जी फरमाओ। मेरा सवाल है ये, कितने साल होना चाहिए दुपट्टा पहनने के लिए स्कूल में? स्कूल में ये देखो, अगर तो तुम छोटी सी हो, दुबली पतली तुम्हारे जैसी, तो तुम्हें पता नहीं लगता दुपट्टा पहनने के। स्कूल में अगर तुम्हें दुपट्टा पहनने की इजाज़त है तो पहन लो 11-12 साल की उम्र में, लेकिन अगर नहीं इजाज़त तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाओ, और जब स्कूल से बाहर निकलो तो स्कार्फ ले लिया करो या दुपट्टा ले लिया करो। हैं, तुम्हारा जो असल चीज़ है शर्म और हया, तुम्हें तुम्हारा लिबास अच्छा होना चाहिए। टाइट जीन और छोटा टी शर्ट पहन के अगर तुम स्कार्फ भी ले लेते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे कपड़े ऐसे होने चाहिए पूरा ढका हो जिसम, और लंबी कमीज होनी चाहिए। जब तुम्हें नंगे लिबास से शर्म नहीं आनी चाहिए, नंगे लिबास से शर्म आनी चाहिए, ढके हुए लिबास से शर्म नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मैंने देखा है मुसलमान औरतें यहाँ टाइट जीन पहनी होती है, छोटे टी शर्ट पहनी होती है, ऊपर स्कार्फ ले लेती हैं, उसका फ़ायदा क्या है? पर्दा तो नहीं होता, वो तो सारे नंगा नज़र आ रहा होता है। ठीक है, इसलिए स्कूल में तुम्हारा यूनिफॉर्म है, स्कूल में तो तुम नहीं कुछ कर सकती। बाहर निकलो तो स्कार्फ ले लो, ताकि लोगों को पता लगे कि तुम शर्माती नहीं हो स्कार्फ लेने से या दुपट्टा लेने से। ठीक।